हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो बेटा, अभी थोड़ी सी कुछ मैं बाहर चल रहा हूँ, थोड़ी समस्याएं हैं आप लोगों के सामने। तो ये जो वीडियोज आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग वीडियोज, जस्ट उसके बाद जहां भी मैंने चैप्टर खत्म किया था उसके आगे हैं। फिर आपको 2-3 दिन के बाद फिर से लाइव में मिलूंगा, तो आप वहां से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा इंटरेक्शन कम हो रहा है और इसके चक्कर में आपको केवल रिकॉर्डेड चीजें ही मिल पा रही हैं। थोड़ा मैं बाहर हूँ तो आप समस्याओं को समझ सकते हैं, अपने स्टूडियो में फिर से आएंगे तो फिर से वैसे ही क्लासेस चलेंगी। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और दैट इज, ये चैप्टर है इंडियन रिवर्स, द इंडियन रिवर्स, द इंडियन रिवर्स, भारत की नदियां, भारत की नदियां। और बेटा आपको मैं बताऊं, भारत की नदियों से हर एग्जाम में जहां पर भी जीएस पूछा जाएगा वहां से एक सवाल तो जरूर रहेगा, और कई बार तो 2 से 3 सवाल नदियों से ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कायदे से पढ़ना है, आप अपने नोट्स साथ में बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर भारत की नदियों की हम बात करें, तो भारत की नदियों का इतिहास बहुत पुराना है, और इसमें आप लोग जानते हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इनसे हमारी सभ्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, और बड़ा डिटेल चर्चा इसका हमारे वेदों में भी मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे, केवल भारत के पर्सपेक्टिव से बात करना है और ज्योग्राफी से लेकर बात करना है, तो हम लोग सीधे इनके डिवीजन पर चलेंगे कि नदियों को कैसे डिवाइड किया गया है अलग अलग भागों में और कौन कौन सी नदियां हैं। देखो सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्या याद रखना है। पहला, ओरिजिन याद रखना है कि कहां से नदी निकल रही है। दूसरा, अगर इस पे कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, कोई जैसे कोई सिटी है उसका नाम याद रखना है, कोई डैम बनाया गया है तो उस डैम का नाम याद रखना है, या कोई इस पे विवाद है या कुछ और चर्चा है थोड़ी बहुत, इनके बारे में इतना अगर आप जानते हैं नदियों के बारे में और इसे कुछ सहायक नदियां, तो आपका काम चल जाएगा। तो इतना ही हमें पढ़ना होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, वही करेंगे जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। ये पता है कि क्या छोड़ देना है तो पढ़ने वाली चीज तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो भारत की नदियां, भारत की नदियों को हम लोग कुल सबसे पहले 2 भागों में बांटेंगे। भारत की नदियों को कौन कौन से भाग में, पहला नॉर्दर्न रिवर्स, नॉर्दर्न रिवर्स यानी उत्तर की नदियां। उत्तर की नदियों में कौन कौन आ जाएगा, जो उत्तर भारत में बहती है नदियां वो उत्तर की नदियों में आएंगी। और दूसरा जो है साउदर्न रिवर्स, साउदर्न रिवर्स, या इसको आप लोग मेनली पेनिनसुलर रिवर के नाम से जानते हैं बेटा, क्या, पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। 2 भागों में बांट दिया हमने, कौन कौन से भाग, पहला है उत्तर की नदियां और दूसरा कौन सा भाग हमने बांटा बेटा, यहां पे प्रायद्वीपीय नदियां। तो 2 भाग। अब हमें यह पता होना चाहिए कि उत्तर भारत का कौन सा है दिशा, कौन सा जगह पे, और नदियां जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है वो कौन सी। तो इंडिया का एक छोटा सा मैं मैप बना दूं अगर यहां पे, नेक्स्ट पेज, ओके ग्रेट, यहां देखो आप। तो अगर हम लोग यहां पे भारत को का एक मैप बनाएं, ये हमारा प्यारा भारत देश महान है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, इसी की मिट्टी में पैदा हुए, इसी का खाते हैं, इसी का पीते हैं। ये यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे इस जगह पे इसके ऊपर जो नदियां बहती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग उत्तर भारत की नदियां बोलते हैं, उत्तर भारत की नदियां। ये उत्तर भारत की नदियां है जो इसके ऊपर, और इसके जो नीचे यहां पे बहती है इसको क्या बोलते हैं, यहां पे प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आपको मिलेंगी। और प्रायद्वीप क्या होता है, जिसे पेनिनसुला अंग्रेजी में कहते हैं, प्रायद्वीप वो हिस्सा होता है किसी भी लैंड का जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, यानी 3 साइड वाटर। तो इधर देखो यहां पे कौन सा सागर है, यहां पे अरेबियन सी है, अरब सागर, अरब सागर। और इधर कौन क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी, जाओ कभी नहाकर आओ बंगाल की खाड़ी में, देखो ठीक है, आपकी गंगा नदी बाकी सारी नदियां इधर ही जाती हैं, आप भी कभी घूम के आओ तो यहाँ पे। और नीचे कौन सा है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है बेटा, नीचे कौन है, इंडियन ओशियन, यानी कि क्या हो गया, हिंद महासागर। तो ये तीन तरफ से कैसे घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो यहां पे जो नदियां बहेंगी, ये आप देखो यहां पे जो नदियां बहेंगी उनको क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर रिवर। और इधर ऊपर की तरफ जो नदियां बहेंगी उनको क्या बोलेंगे, इनको उत्तर भारत की नदियां बहें बोलेंगे। अब इन नदियों को भी हम लोग कुछ भागों में डिवाइड करेंगे, देखते हैं कौन कौन से भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, इसको हम लोग तीन अपवाह तंत्रों में बांटेंगे बेटा। कितने अपवाह तंत्रों में, तीन अपवाह तंत्रों में बांटेंगे। ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है इसको ना, क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपवाह तंत्र कहा जाता है, अपवाह तंत्र कहा जाता है। तीन भागों में बांटेंगे भारत, उत्तर भारत की नदियों को। पहला क्या है, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस ड्रेनेज सिस्टम पहला, यानी कि सिंधु का अपवाह तंत्र, सिंधु का अपवाह तंत्र पहला हो गया। दूसरा ये गंगा, गंगा ड्रेनेज सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम यानी गंगा का अपवाह तंत्र, बाकी आप देख लेना अपवाह तंत्र खुद लिख लेना, गंगा का अपवाह तंत्र। और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम यानी कि ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र, तीन भागों में। तो उत्तर भारत की नदियां जो मैंने दिखाया इसलिए आपके स्लाइड में पीछे, यानी कि यहां से जो नदियां बहती हैं ये उत्तर भारत की नदियां हैं, तीन भागों में इनको बांटा। कौन कौन से भाग बांटे थे बेटा, इसमें मैंने बांटा था आपका इंडस ड्रेनेज सिस्टम यानी कि सिंधु का अपवाह तंत्र, गंगा ड्रेनेज सिस्टम गंगा का अपवाह तंत्र, और ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र। अब देखते हैं कहां कहां पर है ये। तो यहां से एक नदी निकलती है ऐसे ऊपर की तरफ और पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में चली जाती है, ठीक है। लाओ इसको मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं, ये रेड कलर। तो यहां से निकलकर इस तरीके से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में चली जाती है, ये नदी कौन सी है, ये इंडस, या इसको आप लोग सिंधु के नाम से जानते हैं, सिंधु नदी है ना। तो एक तो इसका अपवाह तंत्र पढ़ना है। देखो अपवाह तंत्र क्या होता है पहले तो ये भी समझना जरूरी है। अपवाह तंत्र का मतलब है कि इस नदी के अंदर जहां से जिन जिन क्षेत्रों से भी पानी आता है और इस नदी में मिल जाता है, उस पूरे क्षेत्र यानी पूरा जो कैचमेंट एरिया होता है उस पूरे कैचमेंट एरिया को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो इसके अंदर इसकी सारी सहायक नदियां भी आ जाएंगी, इधर से जो भी नदी आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, यहां से आई, कहीं से भी गई, तो सबको मिलाकर क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र। तो पहला हो गया सिंधु का। दूसरा यहां से गंगा नदी निकलते हुए इस तरीके से जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कौन सी नदी है ये है आपकी गंगा, है ना, द पायस रिवर। यानी कि माना जाता है कि आपके ने पाप किया है तो पाप करने के बाद कहाँ चले जाओ, गंगा नहाओ, तो लोग बोलते हैं कि आपके पाप धुल गए। हालांकि ये कहावत है, पाप तो पाप ही रहता है, आपका ऐसा पापी मन न बनना कभी। एनीवे तो गंगा रिवर यहाँ पे, और आप लोग तो पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट हो ना, तो मुझे पता है कि आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे हो अभी, ठीक। तो ये देखो ये जो नदी है इधर से आती है, इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी भी यहां आके गिरती। तो ये तीनों सिस्टम हमें पढ़ने हैं, एक एक करके ये तीनों सिस्टम हम देखेंगे। दूसरा जो इसके बाद हमें जो देखना था बेटा, यहाँ पे जो दूसरा ड्रेनेज सिस्टम हमें देखना है ये था पेनिनसुला का, यानी कि पेनिनसुलर, पेनिनसुलर इंडिया। यहां पे जो रिवर्स बहती है इनको हम दो भागों में बांटेंगे। उत्तर भारत की नदियों को तो हमें तीन भागों में बांटा, और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इनकी नदियों को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। लो लिख देता हूं प्रायद्वीपीय भारत, इसको दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा, एक ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ईस्ट फ्लोइंग,
ईस्ट का मतलब क्या हो गया, यानी कि पूर्व की तरफ बहने वाली, पूर्व की तरफ बहने वाली, और दूसरा वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये पश्चिम की तरफ बहती है बेटा, किधर, ये पश्चिम की तरफ बहती है। अब ये पूरा पश्चिम ये क्या चीज है, ये क्या नया चीज आ गया, जरा देखो इधर, जो भी नदियां भारत का, ये कौन सा कोस्ट है, ये कौन सा किनारा है भारत का, ये भारत का पश्चिमी किनारा है, कौन सा किनारा है, ये पश्चिमी किनारा, ये पश्चिम है, और ये कौन सा किनारा है, ये पूर्व का किनारा। तो जो भी नदी यहां इधर आकर गिरती है, और इधर कौन सा सागर है, अरब सागर, आप कह सकते हैं जो भी नदी पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में जाकर गिरती है उनको क्या बोलेंगे, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, और जो भी नदी इधर ऐसे फ्लो करके जाकर पूरब दिशा में, इधर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, पूरब की तरफ बहने वाली नदी। या हम सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं कि नदी जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है, या नदी जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी कौन सी, जो पूरब की तरफ बहेगी, और जो अरब सागर की तरफ बहेगी उसको क्या बोलेंगे, पश्चिम की नदियां। तो इस तरीके से हमने नदी को क्या कर लिया, इनको दो भागों में बांट दिया, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर दो भागों में बट गए, डिवीजन कर लिया। डिवीजन करने के बाद एक एक करके एक एक नदी के बारे में हम थोड़ा हम डिटेल में इसे चर्चा करेंगे, ठीक है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया ना आपको, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव कम हो रहा है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आप सामने रहते हो, कुछ कमेंट करते हो, कुछ बातें होती है हमारे बीच में, तो क्लास के अंदर बड़ा मजा आता है, लेकिन मजा अभी भी आएगा। क्या करना है आपको, फोकस करना है, नोट्स लेकर बैठो आप और नोट्स बनाते रहो। और अभी तो आपको जब नदियां बताऊंगा तो नदियों के बारे में कुछ फेमस कहानियां भी हैं, वो कहानियों के बारे में भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो आगे हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहला जो रिवर सिस्टम हमें पढ़ना है, इट इज इंडस रिवर सिस्टम। कौन सा, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां सिस्टम का मतलब सीधा सीधा ड्रेनेज सिस्टम से ले लेना आप लोग, इतने तो आप लोग पढ़े लिखे हुए ही है ना, क्या मतलब है इसका, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाहतंत्र। तो क्या किसकी बात हो रही है यहां पे, सिंधु अपवाहतंत्र की बात हो रही है, सिंधु अपवाहतंत्र, अपवाहतंत्र, सिंधु का अपवाहतंत्र। आ जाओ भाई, सिंधु नदी का नाम बहुत हुआ है ना, बहुत ही ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में जो आर्यंस आए सिंधु नदी के किनारे बसे, फिर इसी के नाम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम भी पड़ा है, तो बड़ा नाम है इस नदी का, और इस नदी के कारनामे भी बहुत सारे हैं। तो आप लोगों ने एक मूवी भी देखा होगा, अभी मोहनजोदाड़ो करके एक मूवी आई थी पूरा, तो उसके इस नदी के बारे में वहां पर भी चर्चा की गई है, तो चर्चित रहने वाली नदी है, ठीक है बेटा। तो चलो यहां पर हम बात करेंगे सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की, और देखेंगे एक एक करके कि सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है क्या। देखो सिंधु नदी के अपवाह तंत्र में मेनली सिंधु नदी के साथ साथ हमें इसकी पांच सहायक नदियों की भी बात करनी है। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, सिंधु नदी की बात करेंगे, यानी कि इसमें कौन कौन शामिल होगा, इंडस, याद रख लो, अब जब कभी भी मैं इंडस का नाम लू तो समझ लेना कि मैं सिंधु नदी की ही बात कर रहा हूं। तो इसमें किसकी किसकी चर्चा होगी, इंडस, और इंडस प्लस इसकी जो फाइव ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या हैं, फाइव ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियां हैं, इनकी भी चर्चा हम करेंगे ना बेटा, बात समझ में आई, यानी कि जो आपकी इंडस नदी यानी सिंधु नदी, सिंधु और इसकी पांच सहायक नदियां, इनके बारे में जब पूरा चर्चा करेंगे तब सिंधु के अपवाह तंत्र को हम समझ पाएंगे, ठीक है। यहां तक हम क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बारे में कुछ और फैक्ट, आपको फैक्ट और फिगर बताता हूं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुआ जिसे कहा जाता है सिंधु नदी समझौता, है ना, या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं, सिंधु नदी समझौता, समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर वाटर ट्रीटी। लो भाई समझौता कर लिया हम लोगों ने, किससे समझौता किया, इंडस वाटर ट्रीटी। अरे भाई साहब देखो इसमें हमने पाकिस्तान से किया, तो किससे किससे बीच में है ये इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इससे भी हम लोगों ने समझौता किया। कब किया था,
1960s में किया था यह समझौता। तो 1960s में हमने यह समझौता किया, कौन सा समझौता था, इंडस वाटर ट्रीटी। और इस ट्रीटी के अंतर्गत जो एक इंडस नदी, इंडस इंडस और प्लस 5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, देखो ट्रिब्यूटरीज तो और भी हैं लेकिन 5 जो ये है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में हमें चर्चा ज्यादा करनी है। तो ये जो इंडस प्लस 5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनको हमें देखना है कि कैसे करना है। तो ये जो ट्रीटी हुई हमारी इसमें 3 नदियां, जो उत्तर की 3 नदियां थी उत्तर दिशा में, इनको किसको दिया गया, ये पाकिस्तान को दिया गया। 3 नदियां जो के उत्तर में है इनको किसको दिया, पाकिस्तान। और 3 नदियां जो कि दक्षिण में है बेटा, दक्षिण में है इन, इसको किसको दिया गया, इसको इंडिया यानी कि हमारे देश भारत को दिया गया। तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, तो सबसे पहले सिंधु नदी, सिंधु नदी पाकिस्तान को कहा गया। देखो इसमें नदियां नहीं दी गई है, दरअसल इसके पानी के यूज का राइट दिया गया है कि कितना पानी इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो यह कहा गया कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं उत्तर दिशा में, उनमें से तीनों जैसे सिंधु हो गया, आपका झेलम है और चेनम, इनके 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान जाना चाहिए, 20% वाटर इंडिया यूज कर सकता है। तो कौन कौन सी नदियां हैं, सिंधु है, झेलम, सिंधु है, इसके बाद कौन सी नदी है, झेलम, और झेलम के बाद कौन सी नदी है, चेनम। तो ये 3 नदियां जिनको, जिनका राइट किसके पास है, पाकिस्तान के पास, जिसमें 80% वाटर यूज कर सकता है। और दक्षिण में जो 3 नदियां उपस्थित है कौन कौन सी नदियां बेटा, जल्दी बताओ, बताओ भाई, रावी, रावी नदी पहला, दूसरी नदी कौन सी है, दूसरी नदी का नाम है ब्यास, ब्यास, और तीसरी जो नदी है उसका नाम क्या है, इसका नाम है सतलज, सतलज। तो ये 3 नदियां भारत को दी गई। तो याद रखना कि पूछा जाएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी में कौन कौन सी नदियों का पानी भारत पूर्ण रूप से यूज कर सकता है, पूर्ण रूप से अपने प्रयोग में ला सकता है। तो 3 नदियां कौन कौन सी 3 नदियां है भाई, रावी, ब्यास और सतलज, इनका पूरा का पूरा पानी भारत स्वयं यूज कर सकता है, अपने प्रयोग में ला सकता है। बोलो बोलो भाई, समझ में आ रही इतनी बातें या नहीं समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो जी, अब देखो ये तो नदियां हो गई, अब इसको हम जरा ऊपर से नीचे तक एक क्रम में पहले सजा लेते हैं। तो क्रम इसको सजा के फिर मैं आपको कुछ और भी बातें बताने वाला हूं। चलो क्रम में सजाते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सी नदी थी भाई, सिंधु नदी है, सिंधु नदी। उसके बाद उसके नीचे कौन सी नदी है, झेलम नदी उसके नीचे है, उसके नीचे चेनब है, चेनब के नीचे आप ध्यान से देखोगे तो आपको रावी मिलेगी, रावी के नीचे आपको ब्यास, और ब्यास के नीचे सतलज, सतलज। तो ये नदियों का क्रम है, ये क्रम आपको हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि इसी क्रम से सवाल कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इस क्रम आपसे पूछा जाएगा, तो ये सवाल आपको आने चाहिए। आगे हम बात करते हैं इनके बीच का, देखो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना, द एरिया बिटवीन टू रिवर्स, एरिया बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। क्या बोलते हैं बेटा इसको, दोआब बोलते हैं, दोआब यानी दो नदियों के बीच का जो जगह होता है इसे क्या बोला जाता है, दोआब बोला जाता है। और ऐसे ही कई सारे दोआब बहुत ही फेमस हैं जिनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखते हैं कौन कौन सा दोआब और क्या क्या है। तो एक है आपका चेज दोआब, आप खुद बताना ना, दोआब का नाम जो बना है वो इन्हीं के नाम से बना हुआ, पहला क्या है, चेज, चेज दोआब, आप बताओ ये चेज और इस ये है क्या, चेज दोआब है क्या। तो देखो बेटा चेज दोआब अगर इसको अंग्रेजी में आप लिख दो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, है ना, लिखो चेज, चेज दोआब। अब देखो यहां सीएच से लिया गया है चेनब, क्या लिया गया है, चेनब, और जे से लिया गया है झेलम, क्या लिया गया है, झेलम। तो इस तरीके से देखा जाए तो चेज दोआब
ये कौन कौन से क्षेत्रों के बीच में पाया जाता है, कौन कौन सी नदियों के बीच में? तो चेज दोआब, चेनब और झेलम के बीच में पाया जाता है बेटा। किसके किसके बीच में? चेनब और झेलम के बीच में चेज दोआब उपस्थित होगा। बोलिए, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगला जो हमारे पास दोआब है उसका नाम है रेचना दोआब। क्या नाम है? रेचना, रेचना, अंग्रेजी में लिख दो इसको रेचना, रेचना दोआब। रेचना दोआब किन किन नदियों के बीच में है? तो जरा देखो, चना कौन सा है? चेनब, नाम से ही सब बना हुआ है, ठीक है ना, चेनब। दूसरा है रे, रे से क्या है? रावी। तो रावी और चेनब के बीच का जो एरिया है बेटा, इसे क्या कहा जाता है? रेचना दोआब, रेचना दो आब कहा जाएगा। याद रखना, चेज दोआब चेनब और झेलम के बीच में, रेचना दोआब रावी और चेनब के बीच में। चलो भाई, हो गया इतना। आगे हम बात करते हैं, और भी हमारे पास दोआब है, चेज और रेचना देख लिया, और हमारे पास है बारी और बिस्त, दो दोआब है। कौन कौन सा? एक तो है बारी, बारी, बारी। तो बारी किसे किसके बीच में होगा, जरा सोचो। बारी दोआब, तो बी से, बी ए से क्या हो गया? बीज, यानी कि व्यास, है ना, व्यास। और आर आई से क्या हो गया? रावी, रावी, ठीक है, रावी नदी। तो ये दोनों के बीच में जो बारी है वो व्यास और रावी के बीच का जो एरिया है उसे कहा जाता है। अगला हम बात करते हैं, यहां पे है बीस्ट, बीस्ट दोआब। अब ये बीस्ट दोआब किसके किसके बीच में होगा बेटा, ठीक है ना? तो ये दोआब आपके किसके किसके बीच में होगा? ये नीचे वाली दो नदियां सतलज और ब्यास के बीच में, किसके बीच में? बीज और सतलज के बीच में ये नदियां होंगी। तो यानी कि ब्यास और सतलज, इसके बीच के जो क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे? इसको बीस्ट दोआब कहा जाएगा। याद रहेगा? बोलो भाई जी, बीस्ट दोआब, है ना। चलो तो आगे बढ़ जाए हम लोग, ये चारों दोआब फिर से एक बार देख लो, नहीं तो बाद में कहोगे कि सर गड़बड़ा रहा है दोआब। चेज कहाँ कहाँ पर है? चेज चेनब और झेलम, रेचना रवि और रावी और चेनब के बीच में, और इसके बाद हम बात करें यहाँ पे बारी तो ब्यास और रावी के बीच में, और बीस्ट की बात करें तो ब्यास और सतलज के बीच का जो एरिया उसे क्या बोलते हैं? बीस्ट कहा जाएगा। बोलो, है ना। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे एक एक नदी को अब हम लोग डिटेल में देखना शुरू करेंगे यहां से, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंडस रिवर का ओरिजिन, इसके ऊपर कुछ खास बातें हैं तो बात करेंगे। चलो, इंडस रिवर, इंडस रिवर, इंडस रिवर का मतलब हो गया आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी का ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसको माना जाता है कि ये नदी मानसरोवर एक झील है वहां से निकली है, और मेन रूप से अगर देखा जाए तो सिंधु नदी की शुरुआत जो होती है वो एक तरीके से जो आपका कैलाश पर्वत है बेटा, कैलाश, उसके पास से हुआ है, है ना। तो क्या आप कह सकते हैं ओरिजिनेट्स, ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश, ठीक है ना। इसके बाद कैलाश के बाद कहां पर जाएगा? मानसरोवर, मानसरोवर। तो कैलाश के ग्लेशियर से निकलकर किधर जा रही होती है नदी? ये मानसरोवर, और फिर वहां से ये ओरिजिन होकर आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी कौन सी नदी हो गई? ये इंडस रिवर हो गई, जो कि निकलेगी कहां से? कैलाश के पास में, मानसरोवर से निकलेगी। और मानसरोवर से निकलने के बाद ध्यान से देखेंगे इंडिया में, अगर इसको बात करें तो इंडिया में किधर है ये? तो ये इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा, बिल्कुल ये वाला हिस्सा है, यहां से नदी निकल रही होती है मानसरोवर से, ऐसे जाते हुए इस डायरेक्शन में मूव करते हुए पाकिस्तान चली जाती है। तो पहले अगर देखें तो इसका मूवमेंट ऐसे है, है ना। तो कौन सा डायरेक्शन हो गया इसका मूवमेंट का? ये वाला। तो ये आपका नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन है,
और इधर चली गई तो ये वेस्ट और साउथ डायरेक्शन है। तो पहले एक तरीके से कह सकते हैं कि शुरू में ये नदी किधर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही, फिर किधर चली गई, ये साउथ की तरफ चली गई। अब भारत में जब ये इंटर करती है तो दो पहाड़ियों के बीच से इंटर करती है। ऊपर जो इसके ऊपर जो पहाड़ी है बेटा, लाल रंग से बोल कर दे रहा हूं इस पहाड़ी को, ये देखो ये पहाड़ी है, इसे लद्दाख कहा जाता है बेटा, क्या बोलते हैं लद्दाख। और इसके नीचे जो पहाड़ी पाई जाती है बेटा ये वाली, इसको हम लोग जास्कर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जास्कर रेंज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से लद्दाख और नीचे कौन सा रेंज, जास्कर की पहाड़ियां हो गई, हो गई। और बीच में कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी बह रही है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए सिंधु नदी कौन सी दो पहाड़ियों से होकर भारत में गुजरती है, तो कौन सी दो पहाड़ियां हो गई, एक हो गई लद्दाख और दूसरी पहाड़ी कौन सी बेटा, दूसरी जास्कर की पहाड़ी। बोलिए इतना समझ में आया? चलो आगे हम बात करते हैं। यहीं पर इसी के पास में एक जगह उपस्थित है यहां पे, जिसे आप लोग लेह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेह। और लेह ऐसा क्षेत्र है भारत का सबसे ड्राइएस्ट प्लेसों में से एक माना जाता है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है ना। तो लेह जो है ये इंडस नदी के किनारे ही उपस्थित है। तो लेह सिटी किसके किनारे उपस्थित है? इंडस नदी के किनारे उपस्थित है, इतना याद रहेगा। आओ आगे हम बात करें। तो देखो सहायक नदियां होती हैं, सभी नदियों की कुछ सहायक नदियां भी होती हैं, इसकी भी सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों को दो भागों में बांटा जाता है बेटा, कौन सी? एक दाहिने हाथ की नदियां, दाहिने हाथ की नदियां, और दूसरा जो होता है वो बाएं हाथ की नदियां। कौन सी? बाएं हाथ की नदियां। दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अब जरा यहां पे बात आती है कि राइट हैंड क्या है और लेफ्ट हैंड क्या होता है। देखो भाई, अगर कोई नदी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस दिशा में जा रही है, तो उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ। आपका ये कौन सा हाथ? बायां हाथ। तो नदी का ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड, उसका लेफ्ट हैंड साइड, और आपका जो राइट हैंड साइड, नदी का भी राइट हैंड साइड। समझ में आया? अगर यही नदी इस डायरेक्शन में बह रही होती तो आप इधर मुंह करके खड़े होते, ये क्या हो जाता? ये हो जाता आपका राइट हैंड साइड, और ये क्या हो जाता? लेफ्ट हैंड साइड। तो उम्मीद है कि आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गया होगा, और यहां पे आपको तकलीफ नहीं होगी कि क्या राइट हैंड साइड होता है नदी का, क्या लेफ्ट हैंड साइड होता है नदी का। तो फिर चलो आओ वापस से आते हैं इंडस पे। इंडस कहां जाएगी? इंडस भारत में बहेगी, फिर पाकिस्तान, और इसके बाद अरेबियन सी चली जाएगी, बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करती है। तो देखते हैं फिर से इंडस, और इंडस को हम लोग बात करते हैं। आ जाओ भैया, कितना पढ़ना पड़ता है ना, इतना दुख कभी कभी तो स्टूडेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये पढ़ाई नहीं, इनके दुख की घड़ी चल रही है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप पढ़ाई मन से कर रहे हैं और उसमें आपको जानकारी लेने का अगर एक ढंग है, या कहें कि उत्सुकता है आपको कि नहीं मुझे ये जानना है, ये नहीं कि हाँ ये पढ़कर मुझे परीक्षा देनी है। ये बात तो ठीक है, परीक्षा देनी है, कंपटीशन देना है, आपको पास करना है, सब कुछ करना है, लेकिन मन में ये अगर भावना है कि मुझे जानकारी हासिल करनी है, मुझे जानना है, अगर मैं किसी के सामने बैठूं तो मेरे पास इतना नॉलेज हो कि सामने वाला, आजकल जानते हैं ना एक कहावत चलती है कि नॉलेज इज द पावर, तो आपके नॉलेज से उसको समझ में आया कि यू आर सो कैपेबल, आप कैसे व्यक्ति हैं। तो नॉलेज गेन करना चाहिए, तो नॉलेज गेन करने का जिनके अंदर है वो तो भाई कर ले जाएंगे। चलो ठीक है, ये भारत इंडस रिवर इधर से ऐसे निकल रही थी, है ना, इसकी कुछ सहायक नदियां होंगी, इसका डायरेक्शन बहने का ये है। तो इधर जो ऊपर नदी होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा? राइट हैंड साइड की नदी, और जो नीचे बह रही होगी उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की नदी। तो राइट हैंड साइड की नदी हो गई और फिर लेफ्ट हैंड साइड की नदी हो गई। तो देखते हैं राइट हैंड साइड की इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं।
तो चलो यहां पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड, मैं केवल राइट लिख रहा हूं है ना, बाकी समझ जाना कि हम सहायक नदियों की ही बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, तो एक तो नदी है स्योक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो नदी है गिलगित, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्योक और गिलगित ये जो दो नदियां हैं, ये क्या है, ये इसकी सहायक मेन सहायक नदियां हैं। किस हाथ की है ये, तो ये दाहिने हाथ की यानी कि राइट हैंड साइड की ये सहायक नदियां हैं। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड में झेलम है ना, झेलम। देखो इसको हिंदी में चाहो तो लिख दूं, लेकिन आप इतने समझदार हो कि नाम है ना, आपका नाम गीता या रागिनी या चेतन या भगत या कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसको आप हिंदी अंग्रेजी में तो पढ़ ही लेते हो, आपने जो आपने नाम टाइप कर रखा है ना इनबॉक्स में, कॉन्टेक्ट लिस्ट में है ना, कॉन्टेक्ट लिस्ट में, वो सब तो अंग्रेजी में ही टाइप करते हो, तो ये भी सब नाम है। तो इसका हिंदी और अंग्रेजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेम सेम ऐसे याद करो, ठीक है। तो सियोक गिलगित, यहाँ पे कौन है, झेलम, चेनब। चेनब कौन सी सहायक नदी है भाई, लेफ्ट हैंड की है। इसके बाद आपका रावी, रवि, फिर क्या हो गया ब्यास, बीज को ब्यास बोला जाता है बेटा, इसको ब्यास अंग्रेजी में बीज लिखते हैं। और सतलज, कौन सी नदी, सतलज, सतलज नदी। तो ये पांच नदियां जो नीचे वाली हैं वो कौन सी है, लेफ्ट हैंड की है। और इसके ऊपर ये दो सहायक नदियां स्योक और गिलगित, ये कहां पर है, ये दाहिने हाथ की सहायक नदी है। जरा देखते हैं इनका लोकेशन, जानने का प्रयास करेंगे यहीं पर कहां कहां पर है। यहां पे एक ग्लेशियर है बेटा, जिसे हम लोग सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, लो नदी को हम लोग ब्लू कर लेते हैं ना, नीला नीला, नीले नीले अंबर पे। तो इधर से नीला नीला नदी जो आ रही है, यही नदी का नाम क्या है बेटा, इसी का नाम है सियोक। तो सियोक कहां से निकलती है, तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत के बहुत ही उत्तर दिशा में, जो सबसे उत्तर का पॉइंट है सियाचिन है ना, यहाँ पे सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा होता है, इंदिरा कौल कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं, इंदिरा कौल, ये सबसे ऊपर माना जाता है। तो वहां से सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर वो भी है। और सियाचिन जानते हैं आप लोग, सियाचिन क्या है बेटा, सियाचिन तो ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन है, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों मिलते हैं। यहीं से निकलती है सियोक नदी और आकर किससे मिल जाती है, ये सिंधु नदी से मिल जाएगी। पहली बात हो गई यहां तक। ये देखो इधर है गिलगित बाल्टिस्तान, यहां से नदी निकलती है जिसका नाम है गिलगित। क्या नाम है इस नदी का, गिलगित नदी है ना। और ये नदी यहां से निकलकर आकर भारत में ही मिलती है। तो भारत में पाकिस्तान में जाने से पहले कौन सी नदी मिलती है, तो वो है गिलगित नदी। और हम लोग जानते हैं ना ये एरिया जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला हमारा ही एरिया है, लेकिन इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इसके। और हम बार बार कहते हैं कि हम ले कर रहेंगे और ले लेंगे जरूर, ये भी है, आज नहीं कल नहीं, और मुझे तो भरोसा है कि मेरे जीवन काल में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो तो हमारा होगा, और मेरे जीवन काल में होगा तो निश्चित रूप से आपके भी होगा, ठीक है ना। तो हमारे जीवन काल में मैं कहूंगा कि हमारे जीवन काल में ये हमारा हिस्सा होगा, ठीक है। चलो तो ये तो दो नदियां कौन सी हैं, ये राइट हैंड की सहायक नदियां हैं। लेफ्ट हैंड की बात कर लेते हैं, तो बेटा इधर से मैं केवल नदी बता रहा हूं, उनको अलग से भी पढ़ना है हमें, ये झेलम, चेनब, रावी, ब्यास, सतलज, इस सबको अलग से पढ़ना है। हालांकि ये दोनों तो आप बस यही याद कर लो, इनको ज्यादा डिटेल नहीं जाना, इनको डिटेल जाना होगा हमें, ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है और पाकिस्तान में जाकर मिलती है किसे, आपके इंडस से। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका नाम है झेलम, झेलम जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो रिवर है वो भी इधर से दो नदियां आकर मिलेंगी, और ये भी आकर जाकर किधर मिल जाएगी, आपको इंडस से मिलेगी। नाम क्या है इसका बेटा, इसका नाम है आपका चेनब, क्या नाम है, चेनब। फिर इसके नीचे इधर रावी, इसके नीचे इधर ब्यास, और इधर कौन है, सतलज। तो ये कौन सी नदी है, रावी, इसके नीचे यहां पे ये नदी है ब्यास, बीज, और ये कौन सी नदी है, ये है सतलज। तो ये आपकी नदियां हो गई।
ये पांच बाएं हाथ की और ये दो दाहिने हाथ की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदियां। तो सिंधु के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। सिंधु नदी की बात करें तो ये चौथा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आप कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बाई वॉल्यूम का है तो कौन है, आपका ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर इसके बाद सिंधु नदी। भारत के अंदर बात हो रही है, बाकी तो भारत के बाद ये पाकिस्तान चली जाती है और उसके साथ फिर क्या घटनाएं घटती हैं भगवान जाने, ठीक है। पाकिस्तान में क्या क्या होता है आप लोग सब जानते ही। एनीवे, तो ये दाहिने हाथ और बाएं हाथ की नदियां याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम लोग झेलम से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, हम लोग झेलम से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि झेलम जो नदी है ये कहां से निकलती है, कहां कहां होकर गुजरती है, और बाकी इसके बारे में और भी जितना भी डिटेल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रही क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, डिटेल में चर्चा कर लेंगे इसके बारे में और अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी एक और आगे भी मुझे आपको कुछ क्लासेस देनी है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडस के बाद हम लोग उसके दूसरे जो झेलम वगैरह उसके ऊपर चर्चा करके फिर सीधे गंगा ब्रह्मपुत्र की चर्चा करेंगे। दो तीन क्लासेस, तीन क्लासेस मान के चलिए मिनिमम नदियों के ऊपर तो आपको लगने ही है, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमें नदियों से सवाल बताने ही पड़ेंगे, और इसका कुछ एमसीक्यू भी लेकर आऊंगा, वो भी सॉल्व करेंगे सारी चीजें, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप लोग मुझसे जुड़े, मुझसे हिमांश।